ये वो टाइम है जब हसन ने स्टोरी सुनाई हुई है कि वो आपसे मिलके गए और पपी फेस बनाया उन्होंने, और मैंने कहा बच्ची हाँ लड़की फंसी हुई है, दोस्तों ने जब दोस्तों हाँ ने बोला बेटा हसन तुम जाओ लड़की से ऐसे हाँ मिलो ऐसा फेस बनाना, तो बिल्कुल वो ये वही करके उन्होंने टाइम कहा ठीक है मैं आ गया हूँ बट ये वापस आएगी, उन्हें था मुड़ के देख देख तो वो कुछ ऐसा इंग्लिश से ही वापस सीन आके हुआ। मुड़ के देखा। हाँ हाँ कुछ ऐसे ही सीन हुआ। आई एक्चुअली कन्विंस्ड माई फैमिली कि नहीं ही इज़ द वन। लेकिन जब आप लोगों ने मिलना शुरू किया तो उस वक्त ये कंसर्न नहीं था कि रिलीजन फ़र्क है, बेधड़क हो के मिले, एंड हाँ उस आया वक्त नहीं डर लगा या कुछ कॉशियस नहीं थे या क्या थॉट प्रोसेस चल रहा था, आई या जहन उस वक्त आप में सीरियस नहीं इतना नहीं सोचा था? नहीं, बिल्कुल इनिशियल फेजेस में तो नहीं इतना सोचा, मगर लेटर ऑन ख्याल तो आता था ऑफ कोर्स, स्पेशली मेरी तरफ से। लेकिन कोई और था नहीं ना, वो भी था। एंड देन आई रियली लाइक्ड हिम, आई रियली लाइक हिम ऑफ एज अ कोर्स पर्सन, द वे या ही इज। और फिर आया मसला, घर वालों से फिर काफ़ी बातचीत चली, ये भी पूरा एक साल गुजर गया इस में भी, लेकिन बस फिर हो गया, क्योंकि मसला हल हो मुश्किल है गया। ये, बहुत अनथॉट ऑफ चीज़ है, बहुत कम हाँ अनहर्ड ऑफ चीज़ है, बहुत कम होता है आई थिंक थोड़ा एंड मेरी तरफ से भी ये था, क्योंकि मैंने शुरू दिन से एक चीज़ वॉज डिसाइडेड कि द किड्स आर गोइंग टू फॉलो इस्लाम। तो वो एक तो हसन के घर वाले उस पर दे वर क्वाइट ओके, मतलब दे वर हैप्पी कि अच्छा भाई ये डिसीजन आपने पहले से ले लिया। आई वॉज ऑल्सो हैप्पी बिकॉज मैं अपने बच्चों को ना बीच में नहीं इधर उधर नहीं करना चाह रही थी। आई वॉन्टेड कि वो छोटे हैं उनको नहीं समझ में आता, आई वॉन्टेड देम टू फॉलो वन पाथ। और ऑब्वियसली लिविंग इन पाकिस्तान वो आप बाप के उससे ही फॉलो करते हैं। सो आई मेड अप माई माइंड। फिर मुझे बहुत सारे लोग उन्होंने पूछा भी, डोंट यू रिग्रेट, अभी भी इंस्टाग्राम पे कभी कभार ना प्राइवेट डीएम्स पे आते हैं कुछ लोगों के मैसेज, डोंट यू रिग्रेट योर डिसीजन। आई डोंट, आई डू नॉट, आई लाइक द फैक्ट कि मेरे बच्चे एक लाइन पे, वो बीच में नहीं फंसे हुए कि उनको ना इधर की समझ में आ रही है ना उधर की समझ में आ रही है, वो एक जगह चीज़ फॉलो कर रहे हैं। दे आर मुस्लिम्स, दे फॉलो, दे स्टडी इस्लाम, दे उनकी कुरान टीचर आती हैं, दे रीड कुरान, उनकी आमीन भी हुई एंड आई एम वेरी माशाल्लाह हैप्पी। और मैं कोई चीज़ छुपाती नहीं हूँ, आई मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी लगाया है, सबसे ज़्यादा मेरे लाइक्स और कमेंट्स उन्हीं के पिक्चर्स पे आए हैं एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट कि हाँ कि मैं हम अच्छी तरबियत कर रहे हैं। आई थिंक वी आर गुड पेरेंट्स। आई थिंक यू आर प्राउड ऑफ दैट एंड आई थिंक लॉट ऑफ क्रेडिट गोज़ टू यू फॉर बींग सो क्लियर एंड मुझे लगता है ये आसान नहीं होता जो आपने डिसीजन लिया, आपने अपने बच्चों के लिए आसान रास्ता चूज़ किया बजाय इसके कि वो ज़िंदगी भर कंफ्यूज रहते या वो चैलेंज फेस करते, और ये मुझे लगता है एज अ पर्सन आपके लिए आसान नहीं होगा ये डिसीजन लेना, हाँ सो उस हैट्स वक्त ऑफ टू नहीं था यू। मगर अब हो गया, मैं आई या कन्विंस माई सेल्फ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने सो ये वॉट डिसीजन मेड यू लिया। लाइक वॉज इट अ वेरी थोड़ा आई थिंक टाइम लगा? हसन्स नेचर मेड मी डू इट। ओके हसन इज सच अ माशाल्लाह माशाल्लाह नाइस पर्सन, नॉट दैट कि मैं इंटरव्यू में बैठी हूँ मैं बोल रही हूँ, बट ही इज़ जेन्यूनली जेन्यूनली अ नाइस पर्सन। और आई थिंक उसकी अच्छी आदतों ने मुझे ये डिसीजन लेने पे बहुत हेल्प किया। देन मेरी हेल्प भी बहुत है इन अ सेंस कि वी लिव इन विद आर इन आई लिव विद माई इन लॉज, जी तो वो हसन की अम्मी जो हैं वो दे शी टेक्स केयर कि अच्छा हाँ भाई इनको ये जो भी सिखाना है वो सिखाती हैं, कोर्स क्योंकि या लड़के थोड़े से ढीले भी हो जाते हैं ना, हसन नहीं इतना कर पाता, तो शी टेक्स केयर ऑफ दीज थिंग्स। और बहरहाल वो सब चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से वो हो माशाल्लाह गई माशाल्लाह से कि यस मुझे कभी टेंशन नहीं हुई। और मैं क्रिसमस ट्री भी लगाती हूँ अपने घर यस में, और मेरे बच्चों को पता है आई एम क्रिश्चियन, और उनको पता है मैं क्रिसमस मास पे जा रही हूँ या ईस्टर की मास पे जा रही हूँ, ईस्टर एग्स लेकर आती हूँ जब, क्यूट जैसे मैं गुड फ्राइडे को हॉट क्रॉस बंस लेकर आती हूँ, साथ में ईस्टर एग्स भी लेकर आती हूँ। सो दे एक्चुअली वेट कि अच्छा मामा अभी गई हैं अभी वो लेकर आएंगी। लेकर आएंगी। हाँ हाँ तो या दैट्स हाउ इट इज़। सो और आपके बच्चे क्यूरियस होते हैं, वो आपसे पूछते हैं कभी, उनके हाँ सवाल आते हैं और किस किस्म के सवाल आते हैं? बहुत ज़्यादा नहीं आए सवाल अभी तक, लेकिन आई थिंक 2 साल पहले मेरे बेटा थोड़ा सा क्यूरियस होना शुरू हुआ कि अच्छा क्या मामा मामा एम आई क्रिश्चियन। तो मैंने उसको कहा कि वेल फ्रॉम योर मदर साइड यस यू आर, बट यू फॉलो इस्लाम, दैट्स व्हाट आई टेल हिम, एंड यू फॉलो एंड यू प्रैक्टिस इस्लाम। फिर मैंने उसको थोड़ा बहुत समझाया कि यस दिस इज़ द डिफरेंस एंड यू नो आई फॉलो दिस, बाबा फॉलो दैट, एंड बट इट्स स्टिल द सेम, वी ऑल बिलीव देर इज़ वन गॉड।
बस यही छोटे मोटे हैं अभी तक और अब आई थिंक नाउ दैट ही इज ग्रोइंग अप तो समझ रहा होगा, अब खुद भी समझ रहा है, देन मींस गूगल पे आप पढ़ लेते हैं काफ़ी चीज़ें और फिर अभी इनकी हिस्ट्री बुक्स हैं, उनकी हिस्ट्री बुक स्टार्ट ही उससे हो रही हैं, बुद्धिज़्म एंड देन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम और जूडिज़्म, वो सब पढ़ता आ रहा है ना, तो वो उसको खुद ब खुद चीज़ें समझ आ रही हैं। तो आप लोगों ने कुछ डिसाइड किया था कि हम इस एज पे या अब हम बताएंगे, या आपने सोचा कि नहीं खुद ब खुद बच्चों को आइडिया हो जाएगा, कभी ये नहीं सोचा नहीं। कि बिठा के उनको बताएं कि ये इस तरह मदर का और फादर का रिलीजन? कभी नहीं, हमने बैठ के उनको नहीं बताया, उनको खुद ही आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गई। जैसे जब वो छोटे थे मैंने कहा अच्छा आई एम गोइंग टू द चर्च, तो वो चर्च वेयर, व्हाट इज चर्च, वेयर इज इट एंड व्हाई एम आई नॉट गोइंग, तो आहिस्ता आहिस्ता यू नो छोटी मोटी चीज़ें बता के वो करते करते फिर उनको एक्सपैंड होता गया ना, उनको काफ़ी चीज़ें पता चल गई हैं, तो अब वो वाले क्वेश्चंस भी नहीं आते। इसी से लेके अभी जब हम कपल्स की बात करें, अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट की बात करें, जब आपकी शादी हुई हसन से तो देर वॉज अ टाइम जब इनफैक्ट आप इस्टेब्लिश थी, आप ज़्यादा अर्न कर रही थी, वो कुछ टाइम पे उनके पास जॉब भी नहीं थी, वो कर रहे थे, तो ठीक है आप कह रही हैं कि मैं यू नो इट्स ओके अगर वाइफ ज़्यादा अर्न कर रही है या वाइफ अर्न कर रही है, हस्बैंड नहीं कर रहा, बट कहीं ना कहीं तो फील होता होगा, टेंशन तो आती होगी रिलेशनशिप में, हाउ डिड यू डील विद इट एट दैट पॉइंट इन टाइम? सबसे पहले तो मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि जब आई स्टार्ट डेटिंग हसन तो बहुत सारे हमारी इंडस्ट्री के लोग थे जो आके देखना चाह रहे थे कि अच्छा ये कौन है, कहाँ है, लगता है बहुत अमीर होगा जो सुनीता ने इसके साथ किए, पता नहीं क्यों हमारे यहाँ के लोग इस तरह के सोचते हैं, लेकिन खैर हाँ ये प्रॉब्लम था क्योंकि हसन ने अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी छोड़ी एंड ही सेड ही वांटेड टू कम इनटू एक्टिंग, व्हिच वाज अगेन नॉट माय डिसीजन, इट वाज हिज डिसीजन। एंड यू टोटली सपोर्टेड? यस यस आई टोटली सपोर्टेड हिम, आई वाज लाइक ओके इफ यू वांट टू, मुझे ही देख के शौक चढ़ा है ना ऑब्वियसली, तो मैंने कहा ठीक है हाँ आई एम ग्लैड कि तुम जो भी करना चाहते हो। मतलब आपका एक्टिंग करियर भी था और आपका मॉडलिंग करियर भी था उस वक्त? आई वाज बूमिंग एट दैट टाइम, माशाल्लाह। मगर हुआ ये कि जिस तरह मेरा था कि मुझे बस यू नो काम मिल गया और मिलता ही रहा, हसन के साथ ऐसा नहीं था। हसन को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी और शुरू में एक टाइम ऐसा भी आया कि आफ्टर अ ईयर आई टोल्ड हिम कि लिसन 6 महीने और देख लो, अगर तुम्हें नहीं काम मिलता देन यू शुड डू समथिंग एल्स, कुछ तो करना है ना, खामखा घर में तो नहीं बैठ सकते। एंड ऑब्वियसली ही वाज वेरी सैड और ही wanted to become an actor, उसका passion है and he really likes acting. फिर वही हुआ, आहिस्ता 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 मिलता रहा और मैंने किसी को recommend नहीं किया हसन को, मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, that's not me, I can't, जो भी है तुम्हें अपने ही बलबूते पर आगे चलना है, and he did that. अच्छा हसन ने अपने आप को ना थोड़ा सा चेंज भी किया, हसन को पहले काफ़ी गुस्सा आता था, फिर वो he went to therapy, उसने अपना anger management का पूरा एक course किया and you know he literally changed himself, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पर ना एक taboo है कि therapist के पास अच्छा क्यों क्या हुआ है, psycho हो गए हो, पागल हो गए हो, क्या हुआ है, I think it's very important, मेरा बस चले तो मैं हर school में once a week बच्चों की बकायदा you know free session हो, you're right, कि बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अपनी बात कर सकें और बचपन से एक चीज़ बन जाएगी तो बड़े होके उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आजकल तो वैसे ही इतना कंपटीशन है कि वो एंग्जाइटी लेवल आपका बहुत हाई हो जाता है। तो खैर ऑल दिस हैपेंड, अप्स एंड डाउन्स होते रहे ज़िंदगी में, एंड थैंक गॉड फाइनली ही मेड हिज मार्क इन द इंडस्ट्री एंड ही इज़ डूइंग रियली वेल। उसके कुछ कैरेक्टर्स हैं जो मेरे से ज़्यादा फेमस हैं, और जब कभी हम बाहर जाते हैं कितने लोग हैं जो हसन को पहचानते हैं और मुझे नहीं पहचानते, really? हाँ क्योंकि हसन के कुछ कैरेक्टर्स इतने हिट हो गए कि वो उसको आके कहते हैं अरे ये बादशाह जा रहा है, बादशाह जा रहा है, और मतलब बकायदा उसके कैरेक्टर का नाम लेके उसको बुलाते हैं। आई कैन सी द प्राउड वाइफ, यस आई एम टोटली प्राउड, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम कि ही actually changed himself and he made his mark. Abhi bhi of course he there's a lot that he wants to do, but inshallah in future, and abhi we are doing a play together also. Yes. You so, told me about it off camera, which is very interesting. Lekin therapy pe unka apna decision tha jaane ka ya aapne bhi thoda sa sare uske apne decisions the? Okay. I only supported him as a good wife, which I think every wife should do. अगर किसी अच्छे कॉज के लिए कोई काम हो रहा है तो यू शुड सपोर्ट।
अच्छा, मुझे लगता है ये जो सिचुएशन होती है जब आप जब औरतें अर्न कर रही हों ज़्यादा या ज़्यादा सक्सेसफुल हों अपने, मैं सिर्फ हस्बैंड को नहीं, मैं मर्द हजरात को आसपास, बिकॉज हमारी सोसाइटी बड़ी उस तरह की ना, मर्द से एक्सपेक्ट किया जाता है ज़्यादा, और वो बेटा बेटी भी हो तो ये होता है कि नहीं बेटा हैज़ टू डू वेल, बेटी की तो शादी हो जाएगी, ये अभी भी एग्जिस्ट करता है बड़े हद तक. बिल्कुल करता. तो मुझे लगता है बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि एक तो आप उस इंसान को जिसको आप प्यार करते हैं इन व्हाटएवर वे, उसको इस दर्द से इस यू नो चैलेंज को देखते हुए, फिर ये प्रेशर कि ओ आई एम डूइंग बेटर देन, वो गिल्ट इक्वली डिफिकल्ट है ऑन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ.